प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लस टू ज्योग्राफी से संबंधित, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति के बारे में हमने देखा था, इसके निवास क्षेत्र के बारे में। दूसरा हमारा टॉपिक चल रहा था, पहला निवास क्षेत्र और दूसरा चल रहा था आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में हमने इनके आखेट, भोजन, वस्त्र, इनके बारे में देखा था। अगला जो आर्थिक क्रियाकलाप में है वो हम बात करेंगे इसके निवास ग्रह की। ये निवास क्षेत्र था कि कौन कौन से राज्यों में है, ये हम इनके घरों की बात करते हैं। तो गौड़ जनजाति के घरों की बात करें तो ये जो लोग रहते हैं, ये बस्ती का एक स्वरूप है जिसको नगले या पल्लीकृत, ये बस्ती का एक स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं ना कस्बा, जैसे हम कहते हैं नगर, जैसे हम कहते हैं गांव, उसी प्रकार से ये जो एक शब्द आपको नगले या पल्लीकृत दिखाई दे रहा है, इसका हम हमारे क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो आपने सुना होगा ढाणी। जो ढाणी होती हैं, इन्हीं ढाणियों को नगले या पल्लीकृत कहा जाता है, और वो अलग अलग प्रदेशों में कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे, नगले कहा जाता है। ये हैमलेटेड सेटलमेंट होती हैं, और इसके अंतर्गत क्या होता है आपको पता है? ढाणी में क्या होता है? छोटे छोटे गांव के रूप में बसी होती है। ये जो ढाणी होती हैं, छोटे छोटे गांव के रूप में, मतलब बिखरे हुए जो घर होते हैं उनको नगले या पल्लीकृत कहते हैं। और गौड़ जनजाति भी ऐसे ही घरों में निवास करती हैं, और जिस स्थान पर इनका आवास होता है, जहाँ भी आवास स्थापित करेंगे ये लोग, वहाँ पर शगुन मतलब मुहूर्त, जैसे हम प्रक्रिया में करते हैं सिस्टम, वैसा ही ये करते हैं। और इस शगुन के मौके पर क्या होता है, बतख व मुर्गे की क्या देते हैं? बलि देते हैं। इन जानवरों की क्या करते हैं, ये बलि देते हैं, बतख व मुर्गे की। और इनके जो मकान होते हैं, वो मकान या तो घास फूस से बने होंगे, और घास फूस के साथ साथ में आपको मिट्टी की दीवारें भी दिखाई देगी, मिट्टी के बने होते हैं। और जैसे हम निवास करते हैं, जैसे हमारा रहने का कमरा, बरामदा, पूजा घर, ये सारा का सारा सिस्टम हमारा होता है, वैसे ही इन लोगों का भी सिस्टम होता है। बरामदा भी होता है, पूजा घर भी होता है, रसोई भी होती हैं, रहने का कमरा भी होता है, सारा का सारा सिस्टम इन गौड़ जनजातियों के घरों में मिलता है। ये हो गया इसके निवास ग्रह के बारे में। आगे हम बात करेंगे इसके अंतर्गत क्रियाकलाप में औजार व इनके बर्तनों की बात करेंगे, किस प्रकार के औजार रखते हैं। बर्तन देखो, गौड़ जनजाति की बात करेंगे तो गौड़ जो जनजाति हैं बहुत ही साधारण औजार रखती हैं। साधारण औजार रखने का मतलब, यहाँ पर इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ ये लोग निवास करते हैं, वहीं स्थानीय क्षेत्रों में स्थानीय कारीगर होते हैं, औजार बनाने वाले
जो स्थानीय कारीगर होते हैं जिससे हम बात करेंगे, हम भी कई बार देखते हैं लोहार बैठे होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, वो क्या करते हैं, वो इसी प्रकार के औजार बनाते हैं। और ये लोग किस प्रकार के औजार रखते हैं, कौन कौन से औजार रखते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये लोग अखेट भी करते हैं लेकिन धीरे धीरे किस में बदल गए हैं, धीरे धीरे कर्षक के रूप में बदल गए हैं। किसके रूप में, कर्षक के रूप में, मतलब ये लोग क्या करने लगे हैं, ये कृषि करने लगे हैं। तो जो औजार रखते हैं वो कृषि संबंधी औजार रखते हैं, और वो औजार कौन बनाता है, लोहार बनाता है, जैसे खुरपी, फावड़ा, दरांती, इस प्रकार के जो औजार हैं वो कृषि के लिए उपयोगी हैं। कुल्हाड़ी बनाते हैं, तीर बनाते हैं, ये सारे के सारे कहाँ, तीर की बात करेंगे तो वो यूज में आता है शिकार के दौरान, लेकिन खुरपी की बात करेंगे, फावड़े की बात करेंगे, कुल्हाड़ी की बात करेंगे, दराती की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे उपकरण कहाँ काम आ रहे हैं, कृषि में काम आ रहे हैं। और साथ साथ में क्या है कि ये लकड़ी का सामान भी बनाते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। लकड़ी से बना हुआ जो सामान होता है उसका उपयोग करते हैं, जैसे चारपाई, कहने का अर्थ ये है कि जो चारपाई होती है हमारे घरों में भी मिलती है चारपाई, वो और लकड़ी के छोटे छोटे स्टूल भी मिलते हैं इनके घरों में। और ये कौन बनाता है, ये जो लकड़ी का सामान है ये लोग स्वयं बनाते हैं, कोई कारीगर के द्वारा नहीं बनाते। ये जो औजार बताए हैं मैंने, ये औजार किससे बनवाते हैं, लोहार से, और बाकी जो लकड़ी का सामान है वो बनाते हैं स्वयं। साथ साथ में सोने के लिए, बैठने के लिए कुछ छोटी छोटी दरियां भी होती हैं, जैसे हमने बात की सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं तो उसको काटकर, उसको बुनकर क्या है, छोटी छोटी दरियां भी बनाते हैं, हो सकता है जूट की रस्सी से, हो सकता है जो पेड़ों की जो छाल होती है उससे, या उनकी जो जड़ें होती हैं उनसे, किसी भी प्रकार से ये दरी बना सकते हैं। वो दरी या तो बैठने के लिए या सोने के लिए काम में ली जाती है। तो ये हमने बात की है आर्थिक क्रियाकलाप की। अब हम इनके कल्चर के बारे में देखेंगे, गौर जनजाति के कल्चर के बारे में। समाज व संस्कृति, समाज व संस्कृति के अंतर्गत देखें तो हमारा जो सिस्टम है वो भी, लेकिन धीरे धीरे हमारा चेंजेस हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमने भील जनजाति की बात की थी, वो भी क्या था, पितर सत्तात्मक समाज दिखाई दिया, और वो ही सेम सिस्टम किसमें है, गौर जनजाति में। गौर जनजाति के अंतर्गत जो समाज पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, पितृसत्तात्मक। कहने का अर्थ क्या है कि जो प्रधान, जो परिवार में जो प्रधान होता है वो कौन होता है, पिता होता है। कौन होता है, पिता, और पिता का ही पूरे परिवार पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। पिता की मृत्यु के बाद में, मृत्यु के बाद में किसका हक होता है, पुत्र का, है ना, किस पर है? जो भी संपत्ति है आपकी, जो अचल संपत्ति है, उस अचल संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, पुत्र का अधिकार होगा। देखिए संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल। चल संपत्ति की बात करेंगे, मान लो आपने कुछ पशुपालन कर रखा है, गाय भैंस, ये क्या है, मनुष्य, ये क्या है, चल संपत्ति।
और हम बात करेंगे मकान, भूमि की बात करते हैं, और वो भूमि किसी प्रकार से हो सकती है, मकान के रूप में या खेत के रूप में हो सकती है। ये क्या है? ये अचल संपत्ति, आभूषण। ये क्या है? अचल संपत्ति है। तो ये सारी की सारी अचल संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? पुत्र का अधिकार होता है। और परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, वो मुखिया परिवार में सबसे बुजुर्ग जो पुरुष होगा वो ही क्या होगा? परिवार का मुखिया होगा। और इसके मरने के बाद में सारी की सारी संपत्ति कहाँ चली जाती है? पुत्रों में चली जाती है। अब देखिए, इनकी संस्कृति की बात करेंगे तो इनमें क्या है? जो वैवाहिक संबंध है, जो विवाह का प्रारूप है, वो कैसा है? देखिए, इनमें बहुत सारे विवाह होते हैं, जैसे सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, हरण विवाह है, विधवा विवाह है। ये विवाह के प्रकार हैं जो गौर जनजाति के अंतर्गत दिखाई देते हैं। अब सेवा विवाह से क्या तात्पर्य? कहने का अर्थ ये है कि ससुराल पक्ष में जो कन्या पक्ष के द्वारा सेवा कुछ समय के लिए निर्धारित की जाती है कि आप इतने समय तक हमारे यहाँ सेवा करोगे और इस सेवा के बदले हम आपकी पुत्री से विवाह करेंगे। इस प्रकार से विनिमय विवाह का मतलब होता है अदला बदली। आपकी यहाँ लड़का और लड़की है, हमारी यहाँ लड़का और लड़की, आप हमारी लड़की ले जाओ और आपकी लड़की हमारे घर आ जाए। विनिमय, अदला बदली, ठीक है। हरण विवाह है मतलब छीन कर लाना, बगा कर ले जाना। इस प्रकार के विवाह भी यहाँ दिखाई देते हैं। विधवा विवाह है, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ऐसी विवाहित औरत जिसका प्रति स्वर्ग सिधार जाता है, उसके बाद में वो विधवा कहलाती हैं, और उसका जब दूसरा विवाह होता है तो वो कौन सा विवाह होता है? विधवा विवाह होता है। तो इस प्रकार के वैवाहिक जो संस्कृति हैं, ये आपको गौर जनजाति के अंतर्गत दिखाई देगी। और इसी विवाह समारोह के अंतर्गत ये जो विवाह होती हैं, साधारण जो विवाह होता है, सामान्य जो विवाह होता है सहमति के अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत क्या होता है कि ये विवाह किसी न किसी प्राकृतिक स्थान के नज़दीक होगा। अब ये प्राकृतिक स्थान किसको मानते हैं? या तो वो विवाह है किसके नज़दीक होगा? जल के स्रोत, चाहे कुआ हो, बावड़ी हो, तालाब हो, इस प्रकार के कोई भी जल के स्रोत हो सकते हैं। दूसरी बात करें, आम का जो पेड़ होता है, अमर वृक्ष, उसके नज़दीक भी ये अपने वैवाहिक कार्यक्रम को पूरा करते हैं। और अगर कोई भी अनिष्ट कार्य हो जाता है, कोई भी अनिष्ट कार्य, गलत कार्य हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं? राम धुनी करते हैं, धुई। आपने नाम सुना होगा घरों में, धुई, ठीक है। इस प्रकार से एक धुआं सा करते हैं और चारों ओर फैला देते हैं ताकि कोई अनिष्ट कार्य न हो, इस मतलब खुशी के मौके पर कोई ऐसा गलत काम न हो, इसलिए लोग क्या करते हैं? राम धुनी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इनमें कुछ प्रमुख सदस्य होते हैं, जैसे बात करूं गांव का मुखिया जो होता है, उस मुखिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पटेल या मुखादम, कोई भी एक नाम ले सकते हो आप, पटेल कह सकते हो या कह सकते हो आप मुखादम। इनके गांव का जो चौकीदार होता है, गांव का चौकीदार, उस चौकीदार को क्या कहते हैं ये लोग?
कोतवार। क्या कहते हैं ये? कोतवार कहते हैं। और इनके गांव में जो पुजारी होता है, गांव का पुजारी, या इसको पुरोहित कहते हैं, पुरोहित। गांव का जो पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं? देबारी कहते हैं। क्या कहते हैं? देबारी। तो ये तीन नाम है आपके सामने, गांव का मुखिया, गांव का चौकीदार और गांव का पुजारी। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। कौन करते हैं? ये इनके कल्चर में है, इनकी संस्कृति में है कि इसको ये कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, गांव में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए, तो विवाद के लिए एक गांव में क्या होती है? पंचायत होती हैं, जो आपसी विवादों का क्या करती हैं? निपटारा करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे इसकी भाषा संबंधी। तो जो गोड़ी बोली है, ये बोली किस भाषा से संबंधित है? ये भाषा है द्राविड़ियन। द्राविड़ियन भाषा से संबंधित हैं। किनकी बोली? गौड़ जनजाति की बोली। और ये द्राविड़ियन भाषा कहाँ है? हमने पीछे कुछ कक्षाओं में बात की थी, दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है ये द्राविड़ियन भाषा के अंतर्गत आता है। और स्पेशली बात करेंगे तेलुगु व कन्नड़ के क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, तमिलनाडु की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में क्या है, आपको स्पष्टतः द्राविड़ियन भाषा दिखाई देगी। इसके साथ साथ में क्या है, ये लोग हिंदी भी बोलते हैं, ये लोग मराठी भी बोलते हैं, अन्य भाषाएं भी बोलते हैं ये लोग। और इन भाषाओं की दृष्टि से हम देखें कि इनकी समझ कितनी विकसित हुई है, तो समझ की बात करेंगे तो साक्षरता को देखेंगे, मतलब इनके बीच की साक्षरता देखें तो जो पुरुष हैं वो स्त्रियों या महिलाओं से ज़्यादा साक्षर हैं। मतलब स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत क्या पाया जाता है? बिल्कुल कम पाया जाता है, नगण्य पाया जाता है। और पुरुषों में साक्षरता क्या पाई जाती हैं? अधिक पाई जाती हैं। अब इनके कल्चर में नृत्य व गीत की बात करेंगे तो नृत्य व गीत, नृत्य भी करते हैं, गीत भी गाते हैं। किस समय गाते हैं? या तो कोई पर्व हो या उत्सव हो, उस समय ये क्या करते हैं? नृत्य व गीत गाते हैं। और एक पर्टिकुलर दिन भी है इनका जिसके अंतर्गत ये गाने व नाचने का कार्यक्रम भी करते हैं, वो पर्टिकुलर दिन है पूर्णिमा। पूर्णिमा को ये लोग रात्रि के समय चांदनी रात में क्या करते हैं? नाचते भी हैं और क्या करते हैं? गाते भी हैं। ये नहीं सिर्फ स्त्रियां गाती हैं, नहीं, ये नहीं कि सिर्फ पुरुष नाचते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं? साथ में नाचते हैं। और गाने का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इनकी एक स्पेशली जाति है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ होता है कि ये जाति ये काम के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इनमें एक जाति है जो गायक जाति है, गौड़ जनजाति की गायक जाति। कौन सी है? दुलिया। उस जाति का नाम क्या है? दुलिया। दुलिया जाति का काम क्या है? गाने का काम है। और क्या गाते हैं? ये गौड़ जनजाति के इतिहास के बारे में बताते हैं, साथ साथ में इनका गीत होता है और उन गीतों में जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? जो प्रधान गौड़ होते हैं उनकी मान्यताओं को
बोलते हैं साथ साथ में जो घोड़ों का इतिहास रहा है उनका गुणगान करते हैं। अब क्या करते हैं देखिए, इनके कथा अनुसार देखें तो घोड़ों के इतिहास की बात करेंगे तो घोड़ों के इतिहास के अंतर्गत भगवान, घोड़ों के जो भगवान थे उसकी बात करेंगे। घोड़ों के जो भगवान थे उस भगवान को इनकी माँ ने क्या कर दिया, बेसहारा छोड़ दिया। घोड़ों के जो भगवान थे इनको उनकी माँ ने क्या कर दिया, बेसहारा छोड़ दिया। फिर सहारा एक देवी थी, वो देवी कौन थी, देवी पार्वती। इसने उस भगवान को क्या दिया, सहारा दिया। लेकिन सहारा दिया उसके बाद में एक महादेव का नाम आता है शंभू, शंभू महादेव। इन्होंने क्या कर दिया, इस भगवान को कैद कर दिया। कहाँ, गुफा में कैद कर दिया। ये इतिहास के बारे में है। जो गुणगान करते हैं गीतों के माध्यम से वो गीत इस प्रकार से हैं कि हमारा एक भगवान था और उस भगवान को उसकी माँ ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में सहारा किसने दिया, देवी पार्वती ने दिया। लेकिन शंभू महादेव ने उस भगवान को गुफा में क्या कर दिया, कैद कर दिया। अब घोड़ों के जो नायक कहलाते हैं और वो नायक क्यों कहलाते हैं, देखिए एक व्यक्ति हैं पाहिंडी कपार लिंगम, इन्होंने एक देवी बाई थी जंगू देवी बाई, जंगू बाई देवी, जंगू बाई। इन्होंने इस जंगू देवी बाई के माध्यम से क्या करवाया, गुफा से निकलवाया किनको, घोड़ों के भगवान को। मतलब इन घोड़ों के भगवान को जो कपारलिंगम था उसने देवी जंगूबाई के माध्यम से उनको आज़ाद करवा दिया। और जैसे ही आज़ाद हुए तो वो चार समूह में क्या, एक दो तीन, इस प्रकार से चार गुफाओं से निकले। और चार गुफाओं से निकलने के कारण गौड़ जनजाति के लोग कितने वर्गों में डिवाइड हुए, चार। कौन कौन से चार वर्ग थे, हमने पहले डिस्कस किया था, कुरुक, केवट, धीवर और रावत। चार वर्गों के बारे में हमने पहले देखा था कि जो कुरुक, केवट और धीवर हैं वो क्या करते थे, मछुआ कर्म का कार्य करते थे। क्या करते थे, मछुआ कर्म, मतलब मछली पकड़ने का कार्य। लेकिन रावत वर्ग था वो क्या कर रहा था, पशु चारण और दूध बेचता था। तो इस प्रकार से ये जो इतिहास है इन्हीं को क्या करते हैं, ये लोग दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।